नमस्कार, एचएन अध्ययन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं मैं अभी। और इस वीडियो में आज हम रामसर स्थल, जो जिसे आप रामसर साइट्स भी कहते हैं, के बारे में एक छोटी सी क्लास लेंगे। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस क्लास में जितना कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट आपको रामसर स्थल के बारे में बता दिया जाएगा, उसके अलावा कुछ भी आपको रामसर साइट्स के बारे में नहीं पढ़ना है। इसमें हमने करंट के टॉपिक भी इंक्लूड कर लिए हैं, फैक्चुअल टॉपिक भी इंक्लूड कर लिए हैं। UGC नेट का पेपर हो या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो या किसी भी एग्ज़ाम में हो, अगर इन्वायरमेंट से एक क्वेश्चन बनाया जाता है तो रामसर साइट्स जो हैं उससे एक क्वेश्चन बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम रामसर साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कैसे आया, क्या बना, इसका क्या कारण था, क्यों इसको इस्टेब्लिश किया गया, तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। देन आपको जो पहला फैक्ट पता चला कि जो ये कन्वेंशन है, ये वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए बनाया गया था। अब वेटलैंड्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी वेटलैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, द कन्वेंशन हैज बीन नेम्ड आफ्टर द ईरानियन सिटी। यानी कि दो फैक्ट आपको मिला, पहला तो जो ये कन्वेंशन है ये किससे रिलेटेड है, ये आपके वेटलैंड से रिलेटेड है। दूसरा, जो इसका नाम है वो ईरान के एक शहर से बनाया गया। तो एग्जाम में आपको ये दो फैक्ट पूछ सकते हैं कि जो रामसर कन्वेंशन है यानी कि जो रामसर साइट्स होते हैं ये किससे रिलेटेड होते हैं। तो ये आपका पहला जो उत्तर होगा ऑप्शन में वेटलैंड्स होंगे, और भी ऑप्शन होंगे अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा, अगर आपसे पूछेगा तो कहेगा ये रामसर जो सिटी है ये किस देश में है, तो आपको लगाना है ये कहाँ पर है, ईरान में। ठीक है, तो इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड अक्रॉस द वर्ल्ड। द कन्वेंशन हैज बीन नेम्ड आफ्टर द ईरानियन सिटी रामसर सिचुएटेड ऑन द कैस्पियन सी। मैप में आप लोग एक बार कैस्पियन सी देख लीजिएगा, ईरान का भी मैप में जाकर लोकेशन देख सकते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। द ट्रीटी वॉज साइन ऑन फेब्रवरी 1971। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आके मिला आपको वो है कि जो ट्रीटी जो साइन की गई थी वो 2 फरवरी 1971 को साइन की गई थी, और 2 फरवरी को ही आपको रामसर कन्वेंशन यानी कि वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे इस पर। ठीक है, देखिए अब इस कन्वेंशन का जो फायदा है, इस कन्वेंशन का जो कारण था वो क्यों था, उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज ऑफिशियली नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। हमने पहले बताया था कि वेटलैंड्स के ऊपर इसका कन्वेंशन हुआ था। ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज वाटर फ्लो हैबिटेट एंड रिफर्ड टू एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स मोस्ट रिसेंटली। इट केम इन टू फोर्स इन 1975। यानी कि जब ये लागू हुआ उसके 4 साल बाद ये इसको फोर्सली अप्लाई किया गया। यानी कि 2 फरवरी 1971 को इस पर एक ट्रीटी बनाई गई, लोगों ने ईरान के एक शहर जिसे आप रामसर कहते हैं वहाँ पे बैठ करके साइन करा, लेकिन उसको जो लागू किया गया वो 4 सालों के बाद 1975 में लागू किया गया। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, एंड केम इन टू फोर्स इन इंडिया ऑन फरवरी 1, 1982। हम थोड़ा और पीछे थे, हमने क्या किया 7 सालों बाद, जब पूरे विश्व में 4 साल बाद लागू हो गया था 1975 में, उसके 7 साल बाद भारत ने क्या किया, इसको लागू कर दिया। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि भारत ने रामसर कन्वेंशन पे कब साइन किया, तो उसका उत्तर होगा, उसका आंसर होगा 1982। यानी कि लगभग जो बैठक की डेट थी उसके 11 साल बाद, 11 ईयर लेटर, भारत ने इस ट्रीटी को साइन किया, अपने यहां लागू किया। ठीक है, चलिए अगली देखते हैं कुछ पॉइंट्स। रामसर साइट्स इन इंडिया आर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिजिग्नेटेड अंडर द रामसर कन्वेंशन। द रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। एज द अगस्त 2024 इंडिया हैज 85। इसको भी याद रखिएगा कि अगस्त 2024 यानी कि अभी जस्ट 2 महीने पहले तक
भारत में कुल 85 रामसर साइट्स हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, और ये भी बताना है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट्स हैं। ठीक है, एंड दिस इज द हाईएस्ट नंबर इन साउथ एशिया, यानी कि 85 नंबर के साथ भारत का जो साउथ एशिया में नंबर है वो पहला है। ठीक है, भारत में रामसर स्थल रामसर कन्वेंशन के तहत नामित अंतर्राष्ट्रीय महत्व को के वेटलैंड्स हैं। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अगस्त 2024 तक भारत में 85 रामसर स्थल हैं, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक संख्या में हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो हमने 5 से 6 फैक्ट्स इस क्लास में पढ़े हैं, और हमें आशा है कि आप लोग ने इन सारे फैक्ट्स को आपके दिमाग में याद होगा। ठीक है, पहला फैक्ट क्या था? पहला फैक्ट का था कि इसे 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर में लागू किया गया। वहाँ मतलब लागू नहीं किया गया, 1971 में एक संधि बनाई गई, कन्वेंशन पे लोगों ने साइन किया, लेकिन इसके 4 साल बाद यानी कि 1975 में इसे लागू कर दिया गया, और इसके 7 साल बाद यानी कि 1982 में भारत ने इसे लागू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे 4 और 7 साल के गैप के साथ, देन ये आपको फैक्ट याद रह जाएगा। और जो रामसर कन्वेंशन है ये आपके किसके संरक्षण के लिए है? वेटलैंड्स के। किसके लिए? वेटलैंड्स के। ठीक है, और अभी तक भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो अगस्त 2024 के डेटा के अनुसार 85 हैं, जो साउथ एशिया में मैक्सिमम इन नंबर्स हैं। आई होप कि इस जो अभी तक हमने पढ़ा उसके जो फैक्ट्स थे वो आपको याद हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि रामसर स्थल आप क्यों बनाया गया, कब इस पे साइन किया गया, किस देश में साइन हुआ, कब लागू हुआ, और भारत ने कब लागू किया, और भारत में करेंटली में कितने रामसर स्थल हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बाकी मैंने आपसे पूछा आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं, और उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट्स हैं। ठीक है, अगर आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हो तो स्टार मार्क्स लगा लेना। एनवायरमेंट से अगर क्वेश्चन बनेगा तो रामसर स्थल से क्वेश्चन आना रखा हुआ है, लिख के जाइएगा आप, चाहे करंट से रिलेट करके आ जाए, चाहे ये जो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं आ जाए, इससे बाहर या इसके ऊपर आपसे नहीं पूछेगा। दैट इज इनफ जो इस पीपीटी में या इस क्लास में कवर कर दिया जा रहा है। ठीक है, एक चीज मैं आपसे बता देता हूं, उत्तर प्रदेश, जो लोग उत्तर प्रदेश की बस एक सेकंड रुकिएगा, बस एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूं, जो लोग UPHSC हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक चीज बता देता हूं कि ये हमारा GS का बैच चल रहा है, ये हमारा GS का बैच है। अगर आप उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है कि दोनों के एग्जाम में GS से सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोग GS का अगर बैच लेना चाहते हैं तो जा करके एप्लीकेशन HN अध्ययन पे ये बैच बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो आपको पता है कि GS की कितनी इंपॉर्टेंस है। बिना GS के आपका सिलेक्शन, मैं 100 बार कह चुका हूं कि होना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बच्चे सीरियस होते हैं, मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं ऑलरेडी क्वालिफाइड होते हैं, किसी न किसी जगह पढ़ा रहे होते हैं, तो जो कॉम्पिटिशन का मार्जिन होता है वो 2 से 3 नंबर का होता है। तो वो जो 2-3 नंबर होता है ना, सारे बच्चे अपने सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जो मार्जिन क्रिएट करता है वो GS करता है। तो अगर आप GS की तैयारी नहीं करेंगे, आप GS को लाइटली लेंगे, तो अगली बार आप यही कहेंगे कि सर मेरा 2 नंबर से 4 नंबर से रुक गया सिर्फ और सिर्फ GS की वजह से। तो अगर आप चाहते हैं GS की तैयारी करना, तो ये बैच हमारा जो है यहाँ 1699 आपको दिख रहा है, लेकिन अभी हमारा ऑफर चल रहा है, जब आप एक कोड लगा देंगे HN, जब आप बाई करिएगा तो एक कूपन कोड लगा दीजिएगा बाई नाउ पे जाकर के HN, इस कोड को लगाएंगे तो 40 से 70% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, अलग अलग समय पे। अगर आप आज लेते हैं तो शायद 40% डिस्काउंट है, या अगर दिवाली सेल आता है तो शायद 70% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये वेरी करता रहता है डिस्काउंट, ये 1699 आपको नहीं देना है,
आपको ये फीस 40-70% कम प्राइस में मिल जाएगा। जा करके आप HN-ADHAN एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी क्लास पे। तो हमने डिस्कस कर लिया कि हम रामसर साइट्स के बारे में पढ़ रहे थे, रामसर साइट्स के बारे में हमने फैक्ट जान लिया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लिए हैं। ठीक है, ये हमने बता दिया है कि अगर आपको तैयारी करनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। और मैं एक चीज और बता देता हूं कि ये हमारा गोल्ड मेंबरशिप है। गोल्ड मेंबरशिप का मैं आपको फायदा बता देता हूं। गोल्ड मेंबरशिप जो बच्चा ले लेता है उसको हमारे एप्लीकेशन पे उपलब्ध सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है, यानी एप्लीकेशन पे A to Z जितने भी कोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे जब तक के लिए आप कोर्स खरीदे रहेंगे। ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट होगा अगर आपको कई सारे एग्जाम देने हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर देना है, JRF का एग्जाम देना है, TGT PGT देना है, टेस्ट सीरीज देनी है, तो सब कुछ अगर आपको देना है तो आप गोल्ड मेंबरशिप ले लेंगे, तो सारे बैच आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारा ये GS का बैच है। अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा Paper 1 का बैच चल रहा है। और UP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारा एक कॉम्बो बैच चल रहा है, हिंदी साहित्य और UP GS के लिए, तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास पे वापस आते हैं। तो हम बात कर रहे थे रामसर साइट्स की, रामसर साइट्स के बारे में और भी जानकारी थोड़ा जान लेते हैं। इसमें मीठे पानी के झीलें, दलदल, मैंग्रोव और उच्च ऊंचाई वाले झीलें सहित विविध पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं। ये स्थल जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनस्पतियों, जीवों की कई प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं। यह जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण और जलवायु रेगुलेशन में योगदान देते हैं। भारत में नए रामसर स्थलों का निरंतर जुड़ना इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों को संरक्षित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ये जो है बताता है आपको कि रामसर जो साइट्स हैं, जो वेटलैंड्स हैं, उनके क्या लाभ हैं, उनके फायदे क्या हैं। ये क्या करता है कि आपका जो इकोसिस्टम है उसको डाइवर्सिफाई करने में मदद करता है। जैसे फ्रेश वाटर लेक्स, मार्शेस, मैंग्रोव, हाई एल्टीट्यूड की जो लेक्स हैं ये इसमें शामिल होते हैं। और ये क्या करते हैं, हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं मैनी स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इट कंट्रीब्यूट टू वाटर प्योरिफिकेशन, यानी कि वाटर के प्योरिफिकेशन में भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं। फ्लड कंट्रोल में भी इनका कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, जैसे आप लोग ने सुना होगा कि साइक्लोन कहीं आ गया, तो मैंग्रोव वगैरह जो होते हैं वो एंटी साइक्लोन होते हैं, यानी कि साइक्लोन को की जो स्पीड होती है उसको रेगुलेट करते हैं, उसको कम करते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप रामसर साइट्स का एक नमूना है, आपको चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, फिगर के माध्यम से। ठीक है, ये भारत में कुछ इंपॉर्टेंट रामसर स्थल हैं जिसको आप देख सकते हैं, जो वुलर लेक है, पोंग डैम, पंजली, हरिके, रोपड़, सांभर, केवलादेव, नाल सरोवर, तो ये अलग अलग राज्यों में है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सेव कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि रेणुका वेटलैंड कहाँ है, चंद्रताल वेटलैंड कहाँ है, सूरीनाम मानसर वेटलैंड कहाँ है, दीपोर बेल कहाँ है, लोकटक कहाँ है, रुद्रसागर कहाँ है, तो ये सारे आपके लिस्ट मैंने दे दिया है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मैप पे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं। Which is the largest Ramsar sites in India? इसमें से कौन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है? तो इसका एक जो आंसर है वो है सुंदरबन। सुंदरबन आपका कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ये भारत का सबसे बड़ा यानी कि बिगेस्ट रामसर साइट है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो इसका जो एग्जाम आंसर है वो है चिल्का लेक, जो आपका उड़ीसा में है। तो चिल्का लेक उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, वो तो भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी, यानी कि इन दोनों को एक साथ ही पहले रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, विच इंडियन स्टेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट? मैंने आपसे पूछा भी था, ये सवाल भी यहां आ गया, तो इसका जो सही जवाब है वो है तमिलनाडु। ठीक है, इस समय यहां पे 16 रामसर स्थल है। अब आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। विच इज द स्मॉलेस्ट वेटलैंड इन इंडिया?
ठीक है, ये है आपका रेणुका, जिसे रेणुका भी कहते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। मैंने अभी मैप के माध्यम से आपको ये दिखाया भी था। बाकी कुछ सवाल और देख लेते हैं फटाफट, फिर इस क्लास को एंड करेंगे। कुछ ऐसे ही स्मॉल टॉपिक्स पे, थोड़े जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे थोड़े थोड़े स्मॉल स्मॉल लेक्चर्स लाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपका वो ब्रशअप होता चले। ठीक है, व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ डेजिग्नेटिंग एज अ साइट एज अ रामसर साइट, मतलब किसी साइट को जब हम रामसर साइट के रूप में नामित कर देते हैं उसका मुख्य लाभ क्या है? क्या है? औद्योगिक प्रदूषण में वृद्धि होती है, ये तो गलत हो गया। आर्द्र भूमि तक सीमित पहुंच, लिमिटेड एक्सेस टू वेटलैंड्स, बेहतर संरक्षण और प्रबंधन, इनहेंस कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, आवास विनाश को बढ़ावा। देखिए ये सब चीज़ें तो आपको नेगेटिव लगी होंगे पढ़ने से ही, ठीक है। तो एक जो सिंपल सा ये इसका आंसर होता है वो है आंसर सी, इनहेंस द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, बेहतर संरक्षण और प्रबंधन। ठीक है, सरल क्वेश्चन था ये। इन टर्म्स ऑफ बायोडायवर्सिटी व्हाट रोल डू रामसर साइट्स सर्व, ठीक है, जैव विविधता के संदर्भ में रामसर स्थल की भूमिका क्या है? वे जैव विविधता को कम करते हैं, इसको तो हटाइए, हमने पढ़ा है कि जैव बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। वो बंजर प्रदेश के रूप में कार्य करते हैं, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। दे सर्व एज अ बैरन लैंडस्केप, ये भी गलत है। वे जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में कार्य करते हैं, ये सही लग रहा है। वे आवास विनाश को बढ़ा देते हैं, ये पॉइंट गलत लग रहा है। तो आपका जो सही आंसर हो गया वो क्या है? सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। When the World Wetland Day celebrated, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको खुद देना है, क्योंकि मैंने क्लास में ही इसको आपको बता दिया। भारत ने अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने रामसर स्थल निर्धारित किए हैं, इसका भी उत्तर आपको देना है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो इस वीडियो में रामसर स्थल के बारे में हमने जानने का प्रयास किया है। एक बार हम फिर से चीजों को समझ लेते हैं, हमने क्या क्या क्लास में पढ़ा था। देखिए रामसर जो स्थल है 2 फरवरी 1971 को रामसर, जो कि आपका ईरान में है, वहां एक बैठक हुई, उस दिन यहां पे साइन हुआ है, इसकी ट्रिटी को साइन किया गया। लेकिन लागू कब किया गया? 4 बाद लागू किया गया, 1975 में लागू किया गया। लेकिन भारत ने इसको 7 और वेट कराया और 1982 में लागू कराया। ये 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। रामसर स्थल आपका कहां पे है? ईरान के शहर में है, कैस्पियन सी के पास में है, और जो रामसर साइट्स होते हैं वो वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए बनाए गए थे, ये हमने पढ़ा। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हमने पढ़ा भारत में तमिलनाडु में है। भारत में इस समय कुल 85 रामसर स्थल हैं। अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो इस वीडियो में हमने रामसर स्थल के बारे में मोटी मोटी संपूर्ण जानकारी पूरे फैक्ट के साथ ले लिया, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है और सबसे नया कौन सा है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगला टॉपिक आपको किस अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, अगर आप चाहें तो हमें बता सकते हैं। ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि उस पर एक नया वीडियो लाया जाए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। एच एन अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।